दिस इज सुजील कटोच। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 बल तथा दाब के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। होप आपने पिछली वीडियो लेसन के बारे में देख ली होगी और आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। सबसे पहले वाला कर लेते हैं, धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण। नंबर 1 है बल्ले का गेंद पर प्रहार। नंबर 2 है बच्चे द्वारा टायर चलाते हुए गति बढ़ाने हेतु टायर पर लकड़ी की डंडी से मार। और खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण है, नंबर 1 है कुएं की रस्सी को ऊपर की ओर खींचना और गुलेल चलाना। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो आप अपनी मर्जी से भी कोई दो उदाहरण दे सकते हैं। सबसे पहला आ गया हमारे पास, फोम को दबाना या रबड़ को मोड़ना, आपकी अपनी मर्जी है। आप इनको दोनों को लिखना चाहें या अपनी मर्जी से जो भी आकृति, जिनकी भी आकृति में परिवर्तन आता है, आप वो दो उदाहरण लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित कथनों के हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला हमारे पास आता है, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है, तो क्या हम रस्सी को नीचे की ओर धकेलते हैं या खींचते हैं? तो हम लोग उसको क्या करते हैं, खींचते हैं। तो इसका मतलब हमारे को रस्सी को पानी निकालते समय खींचना पड़ता है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को डैश करती है। आकर्षित करती है। दूसरा है हमारे पास ग पार्ट, समान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको डैश करना पड़ता है। लदी हुई ट्रॉली को हमारे को उसको क्या करना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है। इसका मतलब इसका खेलना पड़ता है। घ पाठ को देखिए, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, हमारे को आगे लाइक पोल्स आ गए। लाइक पोल्स मतलब एक जैसे ध्रुव हो तो वह प्रतिकर्षित करते हैं, अगर अनलाइक पोल्स हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रतिकर्षित करते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचता है, तब तीर को छोड़ता है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित कथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन कौन से दे रखे हैं, देखिए, जब उसने खींचना स्टार्ट किया तो उसका पेशीय बल लगा, फिर जब उसने उसको टच किया मतलब संपर्क बल, जब वो जा रहा है तो हवा में उड़ रहा है तो उस वक्त वे असंपर्क बल, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया आपका, हवा के बीच से चीरता हुआ जा रहा है तो घर्षण बल हो गया, इस तरीके से उसने उसकी आकृति आकर्षण, ये आपके पास कई सारे शब्द दे रखे हैं, इनमें से चुन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले वाला देखिए, खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाता है जिसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन होता है। तो आपने देखा है वो पीछे की ओर खींचता है तो उसकी किस में परिवर्तन आता है, उसकी आकृति में परिवर्तन आता है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण है। उसके बाजुओं का जोर लग रहा है तो वो कौन सा बल हुआ, पेशीय बल हुआ। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार डैश बल का उदाहरण है। तो क्योंकि उसने उसको टच कर रखा था, वो उसके संपर्क में था, तो वो बल कौन से बल का उदाहरण हो गया, संपर्क बल का उदाहरण हो गया। घ को देखिए, जब तीर लक्ष्य की ओर गति कर रहा है तो इस पर लगने वाले बल डैश तथा वायु के डैश कारण होते हैं। तो इस पर लगने वाले बल कौन से हो गया, क्योंकि वो हवा में चल रहा है, पीछे की ओर खींच रहा होगा तो वो गुरुत्वाकर्षण हो गया, जो धरती अपनी ओर खींच रही होगी इसको तो वो गुरुत्व बल हो गया, और दूसरा वो हवा को चीरता हुआ जा रहा था तो वायु जो है उसके ऊपर घर्षण कर रही, घर्षण हुआ होगा दोनों के बीच में, तो वायु के घर्षण हो गया और पहले वाले में हो गया गुरुत्व बल। नंबर 5 देखिए, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा हो उसे भी बताइए। क पाठ को देखिए, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। तो रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों उंगलियों को दबाने के लिए बल लगाने वाला कारक कौन सा हो गया, हम जोर लगा रहे हैं तो हमारा पेशीय बल हो गया, बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में परिवर्तन आ रहा है और नींबू का रस निकल जाता है, तो ये इसका उत्तर हुआ। दंत मंजन को ट्यूब से बाहर निकालना,
तो दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के हमें फिर से बल लगाना पड़ता है, मांसपेशियों वाला बल निकालता है लगाना पड़ता है। तो ये हो गया पेशी बल एंड तथा बल ट्यूब पर लगता है जिस ट्यूब की आकृति में परिवर्तन से पेस्ट बाहर निकलता है। नंबर ग हुआ दीवारों में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। दीवार में लगे हुए हुक से लटकी हुई कमानी के दूसरे सिरे पर लटके एक भार की दिशा में बल लगाने वाला कारक भार हो गया असंपर्क बल। वस्तु जो है जिस पर बल लग रहा है वह एक हुक है, कमजोर या कमानी है तथा बल के प्रभाव से कमानी खिंच जाती है। अगला हो गया ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ या बाधा को पार करना। यहाँ धावक के दौड़ने गति के कारण शरीर की अतिरिक्त बल प्राप्त होता है जिससे वह अपने शरीर को आवश्यक ऊंचाई तक उठा सकता है। अतः यहाँ व्यक्ति को उसकी गति के कारण बल मिलता है। व्यक्ति को स्वयं के शरीर पर बल लग रहा है तथा इस बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर उछाल पा रहा है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला पेशी बल जो संपर्क बल का एक उदाहरण है लोहे के टुकड़े को फैला देता है जिससे उसकी आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये हुआ इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक बुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े से टुकड़े से रगड़ने पर दीवार पर दबाया गया। ये देखा गया कि गुब्बारा जो है दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम आपको बताना है। एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के टुकड़े से रगड़ कर एक दीवार पर यदि दबाया जाए तो वह दीवार से चिपक जाता है। इस दिशा में दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल जो होता है वह विद्युत बल या असंपर्क बल है, क्योंकि दोनों में एक दीवार में एक जैसे हम उसको रगड़ते हैं तो कपड़े में एक प्रकार का चार्ज आ जाता है और गुब्बारे में दूसरे प्रकार का चार्ज। जैसे ही हम लोग दीवार के पास लेके जाते हैं तो वे फिर से जो दीवार और गुब्बारा जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनमें भी अलग अलग प्रकार के जो चार्जेस हैं वो आ जाते हैं। आप अपने हाथ से पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए बाल्टी पर लगने वाले बल के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए बाल्टी हमने अपने हाथ में पकड़ रखी है और वो भरी हुई है पानी से और वो नीचे की ओर को लटकी हुई है। इसका मतलब नीचे की ओर को वो जा रही है, किसी और दिशा में नहीं जा रही, तो उसको कोई ना कोई बल तो नीचे की ओर खींच रहा होगा। तो वो एक बल जो उसको नीचे की ओर खींच रहा है वो हो गया गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल, जो उसके उसको बराबर करने के लिए ऊपर की दिशा में बल लग रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं तनाव बल। तो मतलब बाल्टी में नीचे की ओर जो धरती की ओर जा रहा है, धरती के बीच के सेंटर की ओर जा रहा है, वो गुरुत्व बल हुआ जो उसके उसको बैलेंस कर रहा है, बिल्कुल बराबर कर रहा है ऊपर की तरफ को जो लग रहा है, ताकि वो क्योंकि वो बाल्टी नीचे भी नहीं गिर रही, आपके हाथ में उसको दे रखा है, आपके हाथ पे जो बल आ रहा है वो हो गया तनाव बल। बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं आता है क्योंकि इस दिशा में लगने वाले कुल जो बल है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और वो उसका नेट जो हो जाता है वो शून्य होता है। किसी उपग्रह को क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों का नाम बताइए। इसका उत्तर है, जब किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया तो प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पे दो बल लगे। एक तो हमारी धरती जो है वो किसी को भी अपने से दूर नहीं जाने देती, तो वो हर वस्तु पे एक बल लगाती है, उस बल का नाम हमारे को पता है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल। और दूसरा उस बेचारे रॉकेट को घिसते पिटते ऊपर की ओर जाना पड़ रहा है तो वह वायुमंडल जो है उसके बीच से रगड़ता हुआ जा रहा है, तो वायुमंडल उस पर कौन सा बल लगा रहा होगा? वायुमंडल द्वारा घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जब किसी ड्रॉपर के चंचू
को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं, ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हट लेने के पर ड्रॉपर के पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण बताइए। पानी का दाब होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होगा, रबर के बल्ब की आकृति होगी, वायुमंडलीय दाब होगा, क्योंकि हमने उसको दबाया था, उसकी वायु सारी बाहर निकाल दी थी। बुलबुले इसीलिए निकले थे क्योंकि उसमें से जो वायु थी वो पानी के होती हुई बाहर निकली थी, क्योंकि बाहर जो है वायुमंडलीय दाब है, उतनी वायु उसके अंदर जानी ही जानी है, तो वायु ना जा पाने के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण वो जो है वो पानी उसके अंदर चला जाता है। तो सही उत्तर हो गया वायुमंडलीय दाब। तो इसी के साथ हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको ढंग से कीजिए और याद भी कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ।